भाई आपने क्रेन कहाँ सीखा, कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा? तो भाई सिखाने वाला जो हिसाब किताब है क्रेन का, वो कोई कहीं भी सीखता नहीं है। किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हो, काम सिखा दो मुझे और मैं कुछ पैसे चार्ज कर देता हूँ। भाई ये टावर क्रेन है, 50 लाख की क्रेन रहती है ये सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो? तो इस वक्त हम आ चुके हैं बिल्कुल भी बिल्डिंग में, ठीक है, और एक नंबर के बिल्डिंग में है। और हम इस वक्त टॉप में जाने वाले हैं, और टॉप का सीन जो आपने नहीं देखा होगा वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपको कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं ऊपर और आप सभी को नॉलेज देते हैं, कुछ काम की जानकारी देते हैं, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और मैं कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूँगा तो वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम चलते हैं बिल्कुल भी टॉप में और फिर सारी बातें आप सभी को बताते हैं, क्योंकि कई सारे लोग को मतलब अपने अपने तरीके की बात पूछते हैं लेकिन वो मैं बता नहीं पाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन पर रहता हूँ फिर भी मैं बताना भूल जाता हूँ। और कई सारे लोग ऐसे हैं नए जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं है, और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं भाई ऐसे काम कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में भी नॉलेज देने वाला हूँ। तो हम टॉप में चलते हैं और फिर वहाँ सारी बातें बताते हैं, ठीक है। तो इस वक्त बिल्कुल भी टॉप में आ चुके हैं, यानी कि टॉप स्लैब पे, ठीक है। ये स्लैब ही है इसके ऊपर जो कि लास्ट फ्लोर का है। भाई चलते चलते जो हाफते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा थकावट जैसा लगने लग जाता है। ये काम ही ऐसा है और करना भी पड़ता है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो इस लाइन से जुड़ी हुई है, जो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, उनको कई सारे काम के नॉलेज नहीं होते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको तो और भी नहीं पता होता है, कतई नहीं पता होता है। तो उस बारे में हम आप सभी को समझाने वाले हैं कि आखिर रियलिटी क्या है और इससे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक बैठने वाला सीन है, तो यहाँ से वाइब दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये देख लो, ये बिल्डिंग है, यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है भाई, अमेजिंग। और इस साइड में ऐसा दिखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कई सारे लोग पूछते हैं भाई काम कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा, बेशक मिलेगा यार, लेकिन क्या है कि इस लाइन से जुड़े हुए लोगों से आप सभी को मिलना होगा, जो आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो, नहीं मिलते हो। और नहीं मिलते हो तो वही एक प्रॉब्लम है कि आपने वो गलती कर दिया है, ठीक है। तो कभी भी इस लाइन में आते हो तो उन लोगों से पहचान बेशक आपको बनानी चाहिए, जिसमें कि आपको जॉब मिले और काम भी मिले। तो ये गलती आप कभी मत करना जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, पहचान नहीं बनाते हैं। तो पहचान बनाना बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप बनाते हो तो ही आपको जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी कैसे, आपको पहचान से, ठीक है। तो इस लाइन में ऐसा ही कुछ होता है। हम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं, सबसे पहले यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ से बिल्कुल भी अमेजिंग सा लोकेशन है, जो बड़ा ही अमेजिंग दिखता है। और हालांकि मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ, पूछते हैं भाई आपने क्रेन कहाँ सीखा, कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा? तो भाई सिखाने वाला जो हिसाब किताब है क्रेन का, वो कोई कहीं भी सीखता नहीं है, ठीक है। सीखने का मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत क्यों है, आप बिना पैसे दिए भी सीख सकते हो, कुछ नॉलेज भी हासिल कर सकते हो, और सीखने के बाद आप सभी को काम भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हो, काम सिखा दो मुझे और मैं कुछ पैसे चार्ज कर देता हूँ। भाई ये टावर क्रेन है, 50 लाख की क्रेन रहती है ये सब, तो ये सब मैं आप सभी को सिखाने के लिए मौका मिलेगा ही नहीं, और कोई सिखाएगा भी नहीं। तो सीखना कैसे है आप सभी को, आपके मेहनत पे, आपके अपने बलबूते पे, वो कैसे बनेगा वो आप सभी को वहाँ पे जाने पड़ेंगे। कहीं किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पे अगर क्रेन लगी होगी तो वहाँ पे सीखने का आप सभी को मौका मिलेगा, वो चीज़ें आपको गंवाना नहीं है। कभी किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप आते हो, वहाँ पे देखो क्रेन लगी हुई है, तो वहाँ पे मौका ढूंढो कैसे काम मिलेगा, वहाँ पे बातें करने पड़ेंगी आप सभी को, तब जाके आपको जॉब मिलेंगी, वो भी हेल्पर की। हेल्पर में 10,000 से 20,000 के बीच में आप सभी को हेल्पर में मिल जाएगा। और स्टार्टिंग की जो बिल्डिंग रहेगी वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ के लिए आप तो बिल्कुल भी सोना सोना हो जाएगा आपके लिए, यानी कि सोना पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टार्टिंग के दौर में। अगर बाद में आते हो, ठीक है, यानी कि अगर आप बिल्डिंग का 5 फ्लोर 10 फ्लोर हो गया तो वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ के लिए रिक्स आप सभी के लिए बढ़ जाएगा, अगर आप हेल्पर पे जाते हो तो। हेल्पर में अगर आपको एक्सपीरियंस है
तो अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग आप सभी को पता होना चाहिए 100-100 फ्लोर के बनने लगे हैं भाई, 100-100 फ्लोर के, तो उसमें आप सभी को तो थोड़ा रिस्क तो बढ़ ही जाएगा। तो स्टार्टिंग से अगर जो बंदा लगता है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में और क्रेन के हेल्पर में, तो उसके लिए भाई चांदी और सोना एक साथ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वक्त हम चलते हैं क्रेन पे और वहाँ पे भी कुछ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी भी क्रेन में आते हो तो आपको पर्चे तो हालांकि बनाने ही पड़ेंगे, अब चाहे वो जेसीबी ही क्यों ना हो, हैंड्रा ही क्यों ना हो, मोबाइल क्रेन क्यों ना हो, टावर क्रेन क्यों ना हो, क्राउलर क्रेन क्यों ना हो, लोडर क्यों ना हो, जितनी भी चीजें हैं इन सारी लाइनों में, पढ़ाई तो पढ़ाई मैटर तो करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है आप सभी को पता है, पहचान बनाना। पहचान से ही आपको ये सारे लाइन में काम मिल सकते, खास करके ड्राइवरी लाइन में। हालांकि ये सब क्या है, ड्राइवर लाइन ही तो है, हालांकि ये रोड पे नहीं चलती है, ये बिल्डिंग में चलती है और अच्छी खासी से चलती है। हालांकि मॉर्निंग को 10th बजने को जा रहे हैं, नीचे काम स्टार्ट हो चुका है, आवाज बेहद ही ज्यादा नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इन चीजों में अगर आप आते हो तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहचान बनाना पड़ेगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। तो टावर क्रेन में भी लाइसेंस लगती है, कौन कौन सी लाइसेंस लगती है, हेल्पर की लगती है, ऑपरेटर की लगती है, दोनों की लगती है, और ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 2000 से 5000 के अंदर में इसकी लाइसेंस बन जाती होगी, क्योंकि मैं लाइसेंस बनवाया था अभी से 5 से 6 साल पहले, जो कि 2000-3000 के अंदर में बन गया था, लेकिन अभी शायद बढ़ गया होगा। तो ये सारी रियलिटी है जो आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। तो वीडियो का एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो ये सारे लाइन में आते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती है, ताकि अब तक आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी।